हेलो गाइस, वेलकम टू एच एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक नंबर 2 बताने जा रहा हूँ, जो कि है हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर को 25 से मल्टीप्लाई आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो सपोज आपको एक नंबर दे रखा है 9, 5, 2, 4 एंड 5, 6, 7 मल्टीप्लाइड बाय 25। ठीक है, सपोज आपको ये नंबर दे रखा है और आपको इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है, इस नंबर को 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 एंड देन 3 देन 8 देन 1 देन 1 एंड देन 4 एंड देन 1। रिमाइंडर कितना बच गया? 3। जो भी रिमाइंडर बचता है आखिरी में, यानी कि जो भी हमने इस नंबर को डिवाइड किया और जो भी रिमाइंडर बचता है, जो भी शेष बचता है, उस शेष को हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो शेष कितना बच गया? 3। हम इस 3 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 25 करना है। ठीक है, चलिए इस नंबर को डिवाइड करके देखते हैं क्या आएगा। 2 देन 5 देन 6 एंड देन 4 एंड देन 4। ठीक है, ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो गया। ठीक है, ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो आपको क्या करना है, जो भी आंसर आएगा उसमें बाद में 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। यानी कि क्या करना है आपको, कि जब भी 25 से मल्टीप्लाई हमको किसी भी नंबर में करना है तो उस नंबर को हमें पहले 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर वो नंबर पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है, यानी कि अगर वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर उसका 0 आता है, तो उस नंबर के बाद आंसर में 2 जीरो लिख दीजिएगा। ठीक है, और अगर रिमाइंडर नॉन जीरो आता है, सपोज क्यू आता है, तो वहां पर 25 इंटू क्यू बाद में आंसर के बाद लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये थी आज की ट्रिक। मिलते हैं आज की अकेडमी की अगली वीडियो में।